Hello everyone and welcome to AJ Classes. Today, as you can see from the screen, at the back of my hand and the front of my face, Maths for RRB NTPC. काफ़ी दिनों से चर्चा हो रहा था, दोस्त लोग कह रहे थे कि भैया जल्द से जल्द एक NTPC का वीडियो बनाइए ताकि हमारा थोड़ा बूस्टअप हो जाए, है ना। तो उन्हीं लोगों के लिए 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब ये मेरे टाइप्स रहेंगे, 10 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस होंगे, वो सब के सब एक अलग टाइप के होंगे, ठीक है। सब एक डिफरेंट टाइप के होंगे, सबको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो यू नो द ड्रिल, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर फर्स्ट टाइम आए हैं, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और NTPC में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइए, मेरा भी चैनल फेमस होगा, ऐसे सबके लिए भलाई होगा, है ना। तो बने रहिए AJ क्लासेस में, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, कीप वॉचिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, आप पढ़िए, हम भी थोड़ा सा रिसाइट कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके, आवाज़ पहुंच सके। हो सकता है किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो या किसी को नहीं दिखाई देता हो, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, अलग अलग प्रॉब्लम होता है। वैसे आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो मैं कैमरा यूज़ करता हूँ, अभी का सबसे लेटेस्ट मॉडल का कैमरा यूज़ करता हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा फॉलो अप करिए, ठीक है। इन अ क्लास एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज 18 ईयर्स, व्हेन द एज ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड देयर एवरेज इंक्रीज्ड बाय 2 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ टीचर। इस तरह का इंक्लूजन या एक्सक्लूजन वाला सम्स हमेशा आता रहता है हर एक एग्ज़ाम में, है ना। कभी यहाँ इंक्लूडेड वर्ड यूज़ किया है, कभी क्या करेगा कि कोई ग्रुप से कोई आदमी चला गया, कोई भी मकसद से हो सकता है, हो सकता है बीमार पड़ गया, हो सकता है रिटायर हो गया, फला फला, आई डोंट नो, वट एवर रीज़न इट मे बी। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सिंपल, एकदम ही सिंपल लॉजिक ये है कि फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि अगर हम लोगों को एज बताना है, या कभी कभी वेट भी पूछता है कि वेट कितना है उस टीचर का, अगर एवरेज ऑफ वेट दिया रहता है, तो सिंपली आप ये करिएगा, फॉर्मूला कुछ इस तरह है कि नंबर ऑफ पर्सन्स इन द ग्रुप, जो कि हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 15 ग्रुप में थे स्टूडेंट्स, तो इसका मेन बात डायरेक्ट फॉर्मूला ही मैं लिख दूंगा, नंबर ऑफ पर्सन्स इन द ग्रुप इनटू, इसको इनटू करना है, किससे इनटू करिएगा, इंक्रीज या डिक्रीज जो दिया हुआ रहेगा, ये मैं या फिर से लिख रहा हूँ, वैसे स्लैश दे चुका था, इंक्रीज या डिक्रीज इन एवरेज जो भी दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे कि इंक्रीज किया हुआ है 2 ईयर्स, एवरेज में दिया हुआ है कि 2 ईयर्स का एवरेज इंक्रीज हो जाएगा, उसको करने के बाद इनटू प्लस या माइनस, ठीक है। प्लस हम लोग करेंगे इंक्लूजन के साथ, इंक्रीज के साथ, और माइनस करेंगे जब भी डिक्रीज होगा वो एवरेज, ठीक है। तो माइनस क्या होगा या प्लस क्या होगा, न्यू एवरेज, जो भी नया एवरेज जो बन रहा है, जैसे हमारा बन रहा है क्या चीज़, हमारा न्यू एवरेज जो बनेगा वो देखिए 18 है और उसके साथ 2 ऐड हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 20, तो न्यू एवरेज हमारा हो जाएगा 20, ठीक है, न्यू एवरेज हो गया 20। 20 कहाँ से आया, 20 आया पहले 18 दिया हुआ था, उसमें बोल रहा है कि 2 का इंक्रीज हो जाएगा, तो 18 प्लस 2 आ जा रहा है यहाँ 20। तो सिंपली इसी फॉर्मूला में हम लोग बैठाते हैं और सम्स को सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ पर्सन इन द ग्रुप 15 दिया हुआ है, इनटू इंक्रीज और डिक्रीज कितना हो रहा है भाई 2, प्लस करना है क्योंकि एवरेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हम लोग जो न्यू एवरेज बन रहा है उसको इंक्रीज को प्लस कर देंगे, तो 18 प्लस 2 हमारा 20 हो रहा है। बोडमास का रूल अप्लाई करिए, पहले मल्टीप्लाई लगेगा फिर प्लस होगा, तो 15 टू 30, 30 प्लस 20 50, एज पूछा है तो 50 ईयर्स होगा, वेट पूछेगा तो 50, वॉट एवर द क्वांटिटी इज गिवन। होप सो आपको क्लियर होता होगा काफ़ी अच्छे से, और जितना हो सका बताया हूँ, मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को सही से दिखाई दे, ठीक है। तो ऐसी टाइप के सम्स को कभी भी इंक्लूजन आता है, कभी एक्सक्लूजन आता है, हम लोगों ने इंक्लूजन वाला किया तो इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट सम्स जो होगा वो भी एवरेज ही का किसी टाइप का होगा, तो नेक्स्ट टाइप हम लोग करते हैं,
अगर आपको ये अच्छा लग रहा है ये वाला वीडियो और ये ट्रिक जो मैं आपको बताया हूँ, तो आपके लाइफ में काम आएगा। हमें सिर्फ लाइक चाहिए और सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। द एवरेज ऑफ फाइव नंबर्स इज 64.6 फुल स्टॉप। द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 66 एंड द एवरेज ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर इज 86। फाइंड द थर्ड नंबर, तीसरा नंबर हम लोगों को निकालना है। पांच नंबर का एवरेज दिया हुआ यहाँ पर 64.6, एक और दो का दिया है 67, मतलब 66, 67, 86 दिया है फोर्थ और फिफ्थ का। तो इस तरह का प्रॉब्लम्स को देखने के साथ ही आप लिख दीजिएगा कि थर्ड नंबर जो कि मिसिंग नंबर है, देखिए हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूएशन नहीं कर रहे, वन के बाद टू आया लेकिन थ्री नहीं लिख के यहाँ पर थ्री एंड फोर्थ का दे दिया, ठीक है। तो जब भी ऐसा मिसिंग टाइप का नंबर रहेगा, डिजिट कुछ मिसिंग है या फिर कुछ ऐसा नंबर जो मिसिंग होगा, तो उसको करने के लिए सिंपली अगर हम लोग लॉन्ग फॉर्मूला से जाएंगे तो भी होगा, लेकिन मैं एक आपको शॉर्ट बता देता हूँ। ये जो टोटल दिया हुआ ना 64.6, इसको 5 से इंटू करिएगा तो ये टोटल नंबर मिल जाएगा। एवरेज का फॉर्मूला यही होता है, अगर आप बैक में हम लोग जाते हैं तो एवरेज का फॉर्मूला ही होता है, नीचे में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा और ऊपर में तुम्हारा क्या होगा, टोटल होता है। तो इस टोटल को फाइंड करने के लिए हम लोग एवरेज और इसका मल्टीप्लाई कर दे रहे, ठीक है। तो ये हमारा टोटल आ गया, फिर इसमें से हम लोगों को माइनस करना है। माइनस क्या करना है, एक सेकंड ब्रैकेट बनाइए, यहाँ देखिए दो नंबर है, यहाँ भी दो नंबर है, सिंपली इसको भी इंटू टू करिए, इसको भी इंटू टू करिए, 66 इंटू टू प्लस 86 इंटू टू, सम्स को सॉल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। 64.6 को अगर हम लोग इंटू 5 करते हैं तो 323 आएगा, माइनस करिए इसके अंदर 132 हुआ, फिर यहाँ पर 6 2 12 172 ये वाला हुआ, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैं छोटा सा लिख दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ का एडिशन, तो यहाँ का एडिशन हो रहा है 304। सो 323 में से 304 मैं इस जगह पे आपका आंसर बना दे रहा हूँ। 323 में से अगर हम लोग 304 को सबट्रैक्ट कर देते हैं तो 9 बचा यहाँ पर, 13 हुआ था तो 19 हमारा आंसर है। थर्ड नंबर इज 19। होप सो आपको क्लियर होता होगा, नहीं हो रहा रिवाइंड करके आप वापस भी देख सकते हैं। आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट भी मिलेगा पीडीएफ के फॉर्म में, तो घबराइए नहीं, कोई भी हाथ से आपको जाने नहीं देंगे, आपको कुछ ना कुछ सीख के ही जाइएगा। नहीं समझ में आया तो आप रिवाइंड करिए, मैं फिर से जाऊंगा तो फिर बहुत देरी लग जाएगा, 10 तो भी करने में टाइम लग जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, हम लोग रीड करते हैं। अ सेलर बाइज बैडमिंटन रैकेट्स एट अ प्राइस रेंज ऑफ ₹250 to ₹285। एक प्राइस रेंज दिया है, प्राइस ब्रैकेट की कम से कम इतना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा, MRP इतना ही है, ठीक है। He then sold those rackets at a range of ₹375 to ₹480। कम से कम 375 में बेचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 480 में बेचेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वुड बी दी पॉसिबल प्रॉफिट। पॉसिबल प्रॉफिट क्या हो सकता है, होने का चांस, पॉसिबल मतलब होता है चांस, ठीक है। अगर वो 9 बैडमिंटन रैकेट्स को बेचता है, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा अगर 9 बैडमिंटन को बेचता है। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 9 तो रहेगा ही आपका, बट पॉसिबल क्या होगा, सबसे कम से कम में अगर वो ख़रीदा और सबसे ज़्यादा ज़्यादा दाम में बेचा, तो इस रेंज में अगर हम लोग करेंगे तो उसका पॉसिबल प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस सबसे कम दाम वाला 250 और सेलिंग प्राइस जो होगा आपका 9 तो रहेगा ही, क्योंकि 9 बैडमिंटन रैकेट्स बेचने ही है, 480 के साथ हो जाएगा इंटू, ठीक है। तो 9 इंटू 250 करते हैं तो 2250 हो रहा है, 2250 इसका करते हैं तो 9 0 9 8 72 2 और फिर 4380 होना चाहिए,
यहाँ तो टू बचा था, ठीक है 4320। तो ये देख के ही लग रहा है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, और क्वेश्चन में भी बोल चुका है कि प्रॉफिट ही होगा, तो सिंपली हम लोग प्रॉफिट लिख देंगे। प्रॉफिट क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा 4320 है, कॉस्ट प्राइस 2250 है, दोनों को माइनस करेंगे तो आप जाके आंसर देख सकते हैं अपने कॉपीज़ में करके, रेस्पेक्टिव कॉपीज़ में 2070 हमारा प्रॉफिट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते, होप सो आपको ये वाला टाइप का भी सम समझ में आता होगा। जब भी प्राइस रेंज देगा तो छोटे से छोटे को कॉस्ट प्राइस में डालेंगे और बड़े से बड़े रेंज को सेलिंग प्राइस में डालेंगे, तभी उसका एक पॉसिबल प्रॉफिट ब्रैकेट निकल सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ गया, चलिए रीड करते हैं। अनिल सेल्स अ मोबाइल टू समीर एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% एंड समीर सेल्स इट टू टोनी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ टोनी पेड 345 फॉर इट, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ अनिल। तो अनिल सबसे पहला बायर है, वो समीर को बेचेगा, तो समीर को जब बेचेगा तो अनिल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस ऑफ समीर होगा, फिर समीर प्रॉफिट हो रहा है उसका। ये काफ़ी बड़ा प्रोसेस है अगर आप बेसिक प्रोसेस में जाना चाहेंगे, मेरे पास इसका एकदम शॉर्ट है क्योंकि हम लोग यहाँ पर ट्रिक ही सिखाते हैं। तो सिंपली कॉस्ट प्राइस ऑफ अनिल इसका एक ट्रिक है जो आप लिख भी सकते हैं, और आप तो सुन रहे भी हैं, लिखिए भी सुनिए भी और स्क्रीन शॉट को सेव भी करिए ताकि आप कॉपी कर सकें। ठीक है, तो सिंपली जो होगा वो जो दिया हुआ है टोनी का 345 सेलिंग प्राइस है, वो उसको इंटू करना है, दो बार 100 होगा क्योंकि 100 के ऊपर ही प्रॉफिट लगता है। तो कितना कितना का प्रॉफिट लगा, एक बार 15% का लगा, एक बार 20 का। तो 100 पे अगर हम लोग 15% लगाते हैं तो 115 हो जाता है, 20 लगाते हैं तो 120 हो जाता है। बस इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं करना है। अगर देखा जाए तो 345 into 115% का रिवर्स किया है जस्ट, और 120 जो कि यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ 20% दिया हुआ है, यहाँ प्रॉफिट ऑफ 15% दिया है। तो सिंपली यही लॉजिक लगाया है इस ट्रिक में और आंसर आपका आएगा, काट कुट के अगर आप देखिएगा तो ₹250 इज़ योर आंसर। होप सो आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेसिक फार्मूला में भी जाइएगा जिसमें कॉस्ट प्राइस आपका इसका सेलिंग प्राइस होगा, तो इसका कॉस्ट प्राइस होगा, फिर ये कॉस्ट प्राइस जितना हुआ उसको एक्स लेके करिएगा, बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए ऐसा टाइप का सम्स दिखिएगा, चुपचाप से ऐसे वाला फार्मूला लगा के आंसर ला दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप देख सकते हैं, रीडिंग करते हैं हम लोग। टू ट्रेन्स हैविंग सेम लेंथ ऑफ 150 मीटर्स आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। पॉइंट्स टू बी नोटेड, अपोजिट डायरेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये ट्रेन वाले प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, इफ दे क्रॉस ईच अदर इन 15 seconds, स्पीड ऑफ ईच ट्रेन, ये आपको निकालना है स्पीड। तो सिंपल, पहले आप बेसिक पे चलते हैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। इसको तो आप हमेशा याद रखा करिए, जब भी ट्रेन हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, बोट एंड स्ट्रीम वगैरह का कर रहे सम्स, तब ये वाला जो रिलेशन है इसको हमेशा हाथ में रखिए या फिर रफ में रखिए, दिमाग में रखिए। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना कवर्ड हो रहा है अगर देखा जाए तो 150 है और दो ट्रेन हैं, दोनों आपस में मिलेंगे एक 15 सेकंड के टाइम पे। ठीक है, तो दोनों आपस में मिलेंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है, डिस्टेंस जो कवर्ड हो रहा है वो कितना हो रहा है, 150, दो ट्रेन 300 मीटर, तो 300 मीटर का डिस्टेंस हमारा हो गया, डिस्टेंस कवर्ड के आसपास में। ठीक है, नेक्स्ट स्पीड को हम लोग ले लेते हैं एक्स, या ऐसी रहने देते हैं, एक्स लेने से कोई अलग हो जाएगा, उससे अच्छे एस एज इट इज़ रहने देते हैं। फंडा जो है अपोजिट डायरेक्शन का यहाँ पर, तो यहाँ पर निकालना होगा आपको रिलेटिव स्पीड। अब ये रिलेटिव स्पीड में क्या है और क्यों हम लोगों ने अपोजिट डायरेक्शन को अंडरलाइन किया, इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि रिलेटिव स्पीड में स्पीड एडअप हो जाता है, एस प्लस एस। अगर स्पीड एक ट्रेन का लेते हैं कि एस है, सपोज करिए एक ट्रेन इधर से आ रहा है उसका एस है, अपोजिट में एक और ट्रेन आ रहा है उसका भी स्पीड एस है, अगर ये अपोजिट में आता है तो अपोजिट में क्या होगा, रिलेटिव में प्लस लग जाएगा।
और यही अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2s, ये आपका हो गया रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, सही से देखिए तो टाइम भी आपको दिया हुआ है 15 सेकेंड्स इज द टाइम गिवन ऑल्सो। तो बस सिंपल वही फार्मूला में डालते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम वाली फार्मूला में। तो 2s जो कि रिलेटिव स्पीड निकला है, डिस्टेंस हमारा 300 दिया हुआ है, टाइम 15 सेकेंड्स है, 15 दूनी 30 20, तो देयरफॉर s इज इक्वल टू 2 से यहाँ कटेगा तो 10 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यह 10 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर तो मीटर पर सेकेंड के हिसाब से सही है, लेकिन यहाँ देखिए किलोमीटर पर आवर दिया, ये भी एक टाइप ऑफ सम्स है, क्योंकि आप अगर जब भी ट्रेन प्रॉब्लम्स स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट जो टाइप ऑफ सम्स आप पढ़ते हैं वो यही रहता है, किलोमीटर को इस मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, जो कि बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पर होगा आपका मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में पहुँचाना है, तो सिंपली आप इसको इंटू करिएगा 18/5 से, तो 18/5 से इंटू करिएगा, हमारा आया हुआ 10, तो 5 2 ज़ा, तो आंसर हो गया हमारा 36 किलोमीटर पर आवर। देखिए होप सो समझ में आता होगा, नहीं तो मैं ऐसे स्टेप्स वाइज बना दे रहा हूँ कि पहले ये हुआ फिर ये स्पीड आया फिर सेम एज इट इज़, और ये फर्स्ट स्टेप था फिर ये सेकंड हुआ और ये थर्ड एंड द लास्ट, जहाँ पर आंसर तो हमारा 10 मीटर पर सेकंड आ चुका था लेकिन आंसर पूछा था किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो देखिए अब जो भी सम्स हो रहा है उसका दो दो टाइप एकदम सेम हो रहा है। अभी ट्रेन का एक प्रॉब्लम हुआ तो दूसरा भी ट्रेन का ही आएगा, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा कि जब प्रॉफिट एंड लॉस का आया एक सम्स तो दूसरा भी प्रॉफिट एंड लॉस से मिलता जुलता, मतलब वही आया उसी टाइप का आया, फिर उससे पहले एवरेज का भी सेम, तो अभी ट्रेन का नेक्स्ट आने वाला है, बने रहिए एजे क्लासेस पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करेंगे और देखते हैं कि 10 तक में होता है कि नहीं, वीडियो काफ़ी बड़ा होते जा रहा है, अगर आधा घंटा हो जाएगा तब तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए 20 मिनट ऑलमोस्ट हो गया, अगर आधा घंटा भी हो जाएगा तो भी ठीक है, एक बड़ा सा मैराथन टाइप का वीडियो हो जाएगा आपके लिए, लेकिन काफ़ी कुछ आप लोग सीख लीजिएगा इसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे जाते हैं बिना किसी बकवास के। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख सकते हैं, चलिए रीड करते हैं। अ मेट्रो रेल इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, इट क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म हुज लेंथ इज ट्वाइस दैट ऑफ ट्रेन इन 36 सेकेंड्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इन मीटर्स। तो भैया मीटर्स मांगा है, सेकेंड दिया हुआ है, तो ये तो पहला स्टेप होना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर को चेंज कर देना है, तो भैया चेंज कर दीजिए 90 × 5/18, सही कर रहे ना, 90 × 5/18 करते हैं, तो 9 1 ज़ा 2 ज़ा 2 5 ज़ा, ना डायरेक्ट भी कर सकते थे, 5 5 ज़ा 25, तो 25 मीटर पर सेकंड हमारा स्पीड हो गया। वो फार्मूला को याद रखिएगा जो इससे पहले मैं बोल चुका था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम का फार्मूला, वो हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो अब हमारा मीटर है, क्या बोलते हैं कि डिस्टेंस, जो कि स्पीड दिया हुआ है, ये फार्मूला याद रखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड दिया हुआ है तो 25 मीटर पर सेकंड ये दिया हुआ है। डिस्टेंस हम लोगों को शायद निकालना है क्योंकि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म नहीं पता है, लेकिन प्लेटफॉर्म का तो लेंथ पता नहीं है, ट्रेन का भी तो लेंथ नहीं पता है, बट ये हम लोग जान रहे हैं कि ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म का कंपेरिजन हो रहा है। तो अगर लीनियर इक्वेशन का पुराना लीनियर इक्वेशन में जब हम लोग क्लास 8 में पढ़ते थे तो जब भी दैन दैट या इसके बाद वाला होता है तो उसको क्या लेते हैं हम लोग, एक्स ले लेते हैं, है ना। तो अगर हम लोग ट्रेन का लेंथ को एक्स लेते हैं तो प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, फॉलो कर रहे हैं, हाँ। तो अगर हम लोग लेट लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स ले लिया तो प्लेटफॉर्म का लेंथ हो जाएगा हमारा 2x। तो सिंपली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला यूज करते हुए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या होगा, जो ट्रेन का था प्लस प्लेटफॉर्म का, डिवाइडेड बाय टाइम हमारा दिया हुआ है, एज सिंपल एज दैट। देखिए एकदम आराम से कर रहे हैं, बस करने का तरीका अगर आपको आता होगा तो ये सब टाइप का सम्स आप जल्दी कर पाइएगा। तो
तो देखिए अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो यहाँ 3x बचा ऊपर में, ये 25 × 36 हो जाएगा। तो 25 × 36 करके देख लीजिए क्या मिलता है, 36 × 25, और फिर x इज इक्वल टू, अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो क्या होगा, ये नीचे जाके बैठ जाएगा, तो 36 × 25 डिवाइडेड बाई 3, 3 12 से होता है 36, ठीक है। तो 12 × 25 ये हमारा आंसर आ रहा है। तो 12 × 25 जो आंसर होगा वो 300 मीटर होगा। तो 300 मीटर आप लिख लीजिए, x का वैल्यू हमारा आ गया 300 मीटर्स। बट ये x का वैल्यू आया, x का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया था, x हम लोग लिया था ट्रेन का, निकालना हम लोगों को है प्लेटफॉर्म का। तो बस सिंपली 2x कर देना है, 2x मतलब हुआ 2 × 300, 600 मीटर्स आंसर। देखिए समझ के करिएगा, पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर मीटर पर सेकंड किया है किलोमीटर पर आवर को, फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने लेंथ को ले लिया, ट्रेन का लेंथ को x, प्लेटफॉर्म बन गया 2x अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम जो दिया हुआ है, ट्वाइस हो गया। फिर हम लोगों ने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके इसमें बैठा दिया, स्पीड हमारा 25 मीटर पर सेकंड आया, डिस्टेंस ट्रेन और प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म से ही तो ट्रेन जाएगा, आसमान से तो जाएगा नहीं, तो इसलिए दोनों को ऐडअप किया गया और टाइम हमारा दिया हुआ था 36 सेकंड्स। सम्स को सॉल्व किया, x का वैल्यू हमारा 300 आया, बट x हम लोगों ने लेंथ ऑफ ट्रेन पकड़ा था, तो प्लेटफॉर्म उसका 2x हो जाएगा 600, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको होप सो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि काफ़ी ईजी है, एज प्रॉब्लम है। तो उसके पहले नंबर में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आमिर एंड सलमान एट प्रेजेंट, प्रेजेंट एज का रेशियो दे दिया 3:4, लिख लीजिए प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है हमारे पास 3:4। फिर 5 साल पहले, बिफोर मतलब होता है पहले, तो 5 years before, 5 years before इन दोनों का रेशियो था 2:3। 5 years को याद रखिएगा। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ सलमान एंड आमिर, या आमिर एंड सलमान, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग अपना प्रीवियस मेथड में क्या करते थे, ये x ले लेते थे, ये x ले लिया, फिर 3x/4x एक रेशियो लिखते थे। 5 years before -5 - 5 इज इक्वल टू 2/3, ये आपका बेसिक जो मेथड है उससे करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आएगा, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा, कुछ 20 सेकंड्स ज़्यादा लगेगा। और हमारा NTPC में मेन मकसद है टाइम को कम करना मैथ्स में, ताकि जनरल को ज़्यादा कर सके, ठीक है। तो इसका सिंपल मेथड यही है कि 5 साल पहले की बात हो रही है, तो हम लोगों का प्रेजेंट एज जो है ये 5 साल बाद हुआ है, तो सिंपली ये 5 को इसके साथ इंटू कर दीजिए और यही 5 को इंटू 4 कर दीजिए, तो 5 × 3 = 15 and 20 years आंसर आपके सामने। आप यहाँ से भी सॉल्व करिए, देखिए आंसर सेम आ रहा है या नहीं, फिर देखिएगा कि 20 सेकंड ज़्यादा लग रहा है जो बेसिक मेथड्स अगर हम लोग करते हैं तो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप देख सकते हैं, रीडिंग करते हैं। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ नितिन एंड नरेन आर 5:4। तो नितिन और नारेन, ये निकल और सोडियम मत समझ लीजिएगा, नितिन एंड नारेन है, जिनका रेशियो प्रेजेंट एज का दिया हुआ है 5:4, ठीक है। अब बोल रहा है कि एज डिफरेंस जो है 7 साल का है, और दोनों का एज कितना होगा, सम बताना है हम लोगों को कि 8 साल बाद उन लोगों का सम कितना होगा। तो अगर आप बेसिक मेथड से जाइएगा तो एक्स बाई वाई करिए, या फिर नितिन बाई नरेश करिएगा, 5/4 हो गया हमारा। बेसिक मेथड भी बताएंगे और ट्रिक भी बताएंगे। तो बेसिक मेथड में यही होगा कि वाई इज इक्वल टू 4x हो जाएगा, वाई अगर इक्वल टू करते हैं तो 4x/5 आएगा हमारे पास। फिर उसको हम लोग पुट करेंगे सम्स में, तो x - y इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, x - y इज इक्वल टू 7 इस इक्वेशन में पुट करेंगे y का वैल्यू जो कि 4x/5 है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन काफ़ी लॉन्ग होगा।
तो हम लोग यहाँ लॉन्ग सीखने के लिए तो बैठे नहीं हैं, वक्त निकलता जाएगा और हम लोगों को जल्दी से जल्दी कैपिटलाइज़ करना है। तो कैपिटलाइज़ करने के लिए सिंपल मेथड यही है कि जो दिया हुआ है दोनों के रेशियोज़ को सिंपली एकदम आँख बंद करके 5, डिफरेंस कितना दिया हुआ है डिफरेंस यहाँ लिखना है, प्लस 8 साल कर देना है। ये हो गया नितिन का आंसर। अगर खाली नितिन का पूछता तो यही होता, 5 7 35, 35 + 8 = 43। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि दोनों के सम के बारे में, तो इसलिए दोनों के सम को निकाल लेंगे। तो नरेश का क्या होगा, 4, डिफरेंस कितना दिया है 7, कितने साल बोला है 8, बस यही है आंसर हमारा। ये हो गया 43 प्लस उसको करिए 7 4 28 28 और 8 36, तो ये 36 हो गया, 79 हमारा आंसर हुआ। जो आपको अच्छा लगे उसको करिए। बेसिक मेथड भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में है और ट्रिक वाला मेथड भी आपको राइट हैंड साइड में प्रोवाइड किया गया है। मुझे तो लगता है कि ट्रिक वाला ही ज़्यादा आसान रहेगा, बाकी आपके ऊपर है, जो आपको अच्छा लगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करके हम अपना सेशन को ख़त्म करते हैं और अपने सपोर्ट को थोड़ा बढ़ाइए। क्या होता है कि देखिए इतना वर्कआउट कर रहे हैं और अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है तो क्या होता है कि दिल में थोड़ा सा एक अजीब सा बेचैनी रहता है कि सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा नहीं है, हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत का थोड़ा फल दिखाइए, थोड़ा दिखाया गया, ऐसा नहीं कि नहीं पूरा नील है, बट वो 200 मार्क तक का कम से कम दिसंबर तक पहुँचाने की कोशिश करिए। अपने फैमिली मेम्बर्स को भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। सब्सक्रिप्शन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, अलग अलग नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन मत दीजिए, आप खाली सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 9 अब आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, चलिए रीड करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का है, तो क्वेश्चन नंबर 9 10 सिंपल इंटरेस्ट का ही होने वाला है। जैसे कि हमारा वे चल रहा है कि जो भी चैप्टर का मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ तो दूसरा क्वेश्चन भी उसी चैप्टर से रिलेटेड और एक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन हो रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब कुछ भी ले सकते हैं, सम को पी लेना होगा, एट 4% पर एनम फॉर 4 ईयर्स इज ₹80 मोर देन द इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 3 ईयर्स एट 5% पर एनम, फाइंड दिस सम। तो देखिए भैया इसको आप लोग बेसिक तरीके से भी हम बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे। तो बेसिक तरीका क्या होगा, PRT/100 जानते हैं हम लोग, SI का फॉर्मूला होता है ना। तो सिंपली उसी में हम लोग डालेंगे, पी बोला है सर्टेन पी, तो सपोज करो दोनों सेम है, रेट 4 है, 4 साल है, डिवाइडेड बाय 100, ये जितना भी आएगा करके देखते कितना आएगा, 4 25, तो 4P/25 आया हमारा। पहले मैं बेसिक ही बता देता हूँ फिर ट्रिक बता दूँगा, क्योंकि बेसिक के लिए फिर जगह नहीं बच रहा है। ट्रिक इतनी सी में हो जाएगा, सपोज़ करिए, सपोज़ नहीं मतलब हो जाएगा इंशाल्लाह, मैं सपोज करने बोल दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। और नेक्स्ट वाले को अगर हम लोग पुट करते हैं 5% वाले को, तो P इंटू 5% इंटू कितना 3 ईयर्स है बाई 100, तो इसमें से अगर हम लोग काटते हैं तो 520, तो 3P/20 बचा। अब दोनों का हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि मोर देन बोल रहा है ना, तो 4% वाला ज़्यादा है, तो 4% वाले को आगे रखेंगे, माइनस करेंगे, वो दोनों को इक्वल करेंगे 80 से। मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ, बाकी करिएगा आप ही, ठीक है। 3P/20 इक्वल टू 80, अब इसको सॉल्व करिएगा, टाइम अच्छा खासा जाएगा। चलिए ट्रिक के तरफ चलते हैं। तो ट्रिक का सिंपली एक फॉर्मूला है जिसका सम निकालना है, सम मतलब ही होता है प्रिंसिपल। तो इसका सिंपल फॉर्मूला, डिफरेंस इंटू 100 डिवाइडेड बाय, दो रेट दिया है, दो टाइम दिया है, तो आप सपोज कर लीजिए पहले वाले रेट का नाम R1 है और T1 है, इसका नाम R1 समझ लीजिए, ये T1 है, तो ये बन जाता हमारा R2 और ये बन जाता है T2। तो सिंपली R1 T1 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको और माइनस कर देना है R2 T2 के साथ। तो देखिए कौन सा सम्स आपके लिए ज़्यादा आसानी होगा, आप खुद ही समझिए। ट्रिक ज़्यादा आसान है, बट ये है कि आपको टाइप ऑफ प्रॉब्लम समझना होगा कि जब ऐसा टाइप का प्रॉब्लम होगा तभी हम ये वाला ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिक क्या होता है कि कंस्ट्रक्टेड एक फॉर्म होता है, इसलिए बेसिक ऑल्सो इज़ इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू नो द बेसिक देन ट्रिक विल ऑल्सो
be easy for you. But if you don't know the basic, then at the time of exam, all the tricks will not be here. मतलब possible नहीं है, इतना सारा trick है. तो क्या होता है कि basic तरीका भी इसलिए मैं बता दिया ताकि आप लोग यहाँ से भी solve कर सकते हैं, but time लगता है. तो इससे बेहतर है कि आप trick कर सकते हैं. तो सम निकालने का इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, निकाल के भी दिखा देते हैं. तो वैल्यू हमारा 8000 आएगा. पी का जो वैल्यू होगा रुपीज़ 8000 होगा. हम लोग इससे सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि जल्दी होगा. डिफरेंस कितना हो रहा है, तो ये डिफरेंस हमारा दिया हुआ है 80 × 100 डिवाइडेड बाई R1T1 मतलब 4 × 4 = 16 में से माइनस क्या करना है, 5 × 3 = 15. तो देख लीजिए आंसर आपका आ गया 8000. और कौन सा टाइम कितना लगा आप खुद ही डिसाइड करिए वीडियो देखने के बाद. इसमें कितने सारे स्टेप्स लगाए, कहीं इधर उधर हुआ, मिस्टेक होने का चांसेस था, लेकिन ये वाले के लिए सिंपली एक ट्रिक लगाया और सम्स बन गया. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को करके हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 अब आपके स्क्रीन में आ चुका है, चलिए रीड करते हैं. अ सम वॉज पुट एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 ईयर्स. तो ईयर हमारा कॉमन है, दोनों में ही 2 ईयर्स यूज होगा. हैड इट बीन पुट एट 3% हायर रेट, अगर 3% हायर रेट कर देते हैं तो इट वुड हैव फेच रुपीज 300 मोर. फाइंड द सम. सेम ही है बट प्रॉब्लम का रूल्स अलग है और ट्रिक तो डेफिनेटली अलग ही है. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. तो क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम लोग बेसिक वे में जाते हैं तो कुछ नहीं दिया रहता है, तो हम लोग सिंपली सम को एक्स ले लेते हैं. तो लेट सम पी लीजिए या एक्स लीजिए, एक ही बात है. पी भी ले सकते हैं, प्रिंसिपल से पी निकला हमारा. और एक्स तो सिंपली एक वेरिएबल होता है, हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन वगैरह किया है. ठीक है, तो ओरिजिनल रेट, यहाँ देखिए रेट में चेंजेस हो रहा है. तो जो पहला रेट दिया उसको हम लोग ओरिजिनल रेट बोल दे रहे हैं, उसको वाई परसेंट पकड़ लीजिए. फिर बोल रहा है कि 3% को बढ़ा देना है हायर. तो जो हायर रेट हो रहा है या न्यू रेट बोल दीजिए, ओरिजिनल ये था तो न्यू रेट क्या हुआ, न्यू रेट हो गया हमारा वाई प्लस 3%. ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100 का सेम फॉर्मूला लगाना है आपको. और तो लिखेंगे एक्स इंटू वाई प्लस 3, क्योंकि जब हायर कर ले रहे हैं तब हमारा 300 रुपया ज़्यादा मिलेगा. तो हायर वाले को पहले लिखेंगे इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 पी आर टी बाई 100 माइनस पी, तो हमारा सेम ही है एक्स आर, ये हो गया एयर, ये रहा बाय 100. तो इस तरह से करेंगे इक्वल टू हमारा हो जाएगा जो दिया हुआ है 300. काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है ना. तो दो वेरिएबल्स है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा. फिर भी अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो कट कुट के आपका आंसर आता है ऑलमोस्ट 5000. एक्स वाई यहाँ पर कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में एक्स वाई आएगा या माइनस में एक्स वाई है, तो एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा. तो एक्स हमारा जो आएगा, जो सम है वो है रुपीज़ 5000. तो चलिए 5000 को हम लोग अपने ट्रिक से देखते हैं जो कि जल्दी सॉल्व होता है. ट्रिक इज़ फॉर फास्ट सॉल्विंग. तो ट्रिक क्या बोलता है, ट्रिक बोलता है सम इज इक्वल टू मोर इंटरेस्ट. सम इक्वल टू जितना इंटरेस्ट मोर हो रहा है, मोर इंटरेस्ट इन 200. ठीक है, जो मोर इंटरेस्ट हुआ है उसको इन 200 कर देना है और नीचे डिवाइड में टाइम और मोर रेट को डाल देना है. देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये ट्रिक बहुत ही आसान है, बट अगर आप स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए एक स्पेसिफिक ट्रिक लगाते हैं और ये आपको दिमाग में बार बार करने से क्या होता है कि याद हो ही जाता है. हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हम लोगों ने इंजीनियरिंग में किया है, डेढ़ डेढ़ पेज का सम्स याद कर लेते थे या फिर डेरिवेशंस बोलिए, तो वो कैसे हुआ, वो बार बार अगर माइंड में रिविज़न करेंगे, रिविज़न का तो टाइम नहीं मिलता है. अगर आई बेग योर पार्डन, मैं डांट रहा हूँ, मैं टीचर बन गया हूँ, तो अगर हम लोग बार बार करेंगे तो ये ट्रिक भी आसान होगा. ये नहीं कि जो ट्रिक बनाया वो बेवकूफ़ है. ट्रिक बनाने वाला ये बोल रहा है कि अगर आप ट्रिक यूज़ करते हैं तो ट्रिक के बाद
आपको बहुत सारे कुर्बानियाँ देनी होगी। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं तो ट्रिक याद करना है, तो आपको फ्री फायर, पबजी ये सब तो भूल जाना होगा, क्योंकि ये सब में आप बात बात करिएगा, खेलिएगा, उधर दिमाग जाएगा ही जाएगा, तो माइंड को पूरा कम्प्लीटली जो फोकस करता है ना, उसको ट्रिक भी याद हो जाता है। खैर, और भाषण देना नहीं है मुझे, अपने अपना समझिए। तो इस पर हम लोग पुट करते हैं, तो हमारा मोर इंटरेस्ट दिया हुआ है 3, और सॉरी यहाँ पर दिया हो ना, कितना मोर होगा, मोर इंटरेस्ट होगा 300, 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, डिवाइड कितना से होगा, टाइम, टाइम हमारा 2 ईयर्स है, दोनों में सेम रहा, और ये मोर रेट, मोर रेट हमारा 3% हो गया। तो ये 2 5s 50, 3 1s 100, देखिए 5000 आ गया। होप सो आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप रिवाइंड करिए, देखिए बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, और आपको PDF भी दिया जाएगा हर एक जो स्क्रीनशॉट का, कि किस तरह से किया गया है, ताकि आप उसमें जूम करके, जूम आउट करके, जूम इन करके देख सकते हैं कि किस तरह से किया गया है। और फिर वीडियो भी देखिए, मैच भी करिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कहीं आपसे कुछ वर्ड्स ओवरलुक तो नहीं हो जा रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग AJ क्लासेस, अपने सपोर्ट को और आगे बढ़ाइए, और जो हम लोग का लक्ष्य है 200 सब्सक्राइबर को कम से कम 2020 के एंड तक पहुंचने की कोशिश करवाइए। थैंक यू ऑल फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप वॉचिंग AJ क्लासेस फॉर मोर वीडियोज़।